अगला हम कर रहे हैं आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी या इंथैल्पी या पोटेंशियल, कुछ भी लिख सकते हैं। आयोनाइजेशन एनर्जी और आयोनाइजेशन इंथैल्पी और आयोनाइजेशन पोटेंशियल, क्या क्या लिख सकते हैं? या तो आयोनाइजेशन एनर्जी या आयोनाइजेशन इंथैल्पी या आयोनाइजेशन पोटेंशियल, ठीक है। आगे करते हैं, अब देखते हैं क्या होता है, व्हाट एंड व्हाई, ये क्या है और कैसे निकालेंगे, क्यों पढ़ेंगे। देखिए आयनाइजेशन एनर्जी होता है, ये न्यूक्लियस है हमारा, इसके अलग अलग सेल है, सेल कितने हैं मान लिया, इसमें तीसरे सेल में एक इलेक्ट्रॉन है, तीसरे सेल में एक इलेक्ट्रॉन है, इसको हम सेल कितने हैं, इनफाइनाइट, कितने सेल होते हैं एटम में, इनफाइनाइट है। यदि इस इलेक्ट्रॉन को हम एक्साइट करते हैं एनर्जी दे करके और छोड़ देंगे तो फिर वापस आ जाएगा, यदि इलेक्ट्रॉन को हम एनर्जी देते हैं, एनर्जी एब्जॉर्ब, एनर्जी एब्जॉर्ब, और ज्यादा एनर्जी देंगे इलेक्ट्रॉन एक्साइट होता जाएगा फिर वापस आ जाएगा। तो कब वापस नहीं आएगा, कब वापस नहीं आएगा, जब हम उसको इन्फिनिटी पर पहुंचा देंगे तब वो वापस नहीं आएगा। डोंट कम बैक। तो जब वो वापस नहीं आएगा तो इसका मतलब वो बाहर चला गया, तो यहां से और उसको बाहर निकालने तक इलेक्ट्रॉन एनर्जी रिक्वायर्ड या एनर्जी प्रोवाइडेड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन, ये एनर्जी इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दिया, दिस एनर्जी इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। समझ आया? अब स्टेटमेंट देखते हैं, सोडियम हमने सॉलिड लिया, फिर हमने एनर्जी प्रोवाइड की, तो ये सोडियम हमें गैसियस स्टेट में मिला, फिर हमने एनर्जी प्रोवाइड की, फिर ये सोडियम प्लस गैसियस प्लस इलेक्ट्रॉन, क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है कि सोडियम अकेले नहीं रहता है, जब वो सॉलिड फॉर्म में रहता है तो इलेक्ट्रॉन सी मॉडल के अकॉर्डिंग ये बॉन्डेड होता है। क्या देखा? इलेक्ट्रॉन सी मॉडल के थ्रू बॉन्डेड होता है। कैसे बॉन्डेड होगा? इलेक्ट्रॉन सी मॉडल में पहले ही पढ़ा चुका हूं आपको, पढ़ा चुका हूं या नहीं? शिक्षा के हमने आपको पढ़ाया हुआ है,
इसमें से जब हम हीट करेंगे तो ये अलग अलग हो जाएगा। तो यही वाला है ये, अब ये सेपरेट हो गया। सोडियम पहले बाउंडेड था, अब ये सेपरेट हो गया है। अब इसमें से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना। तो आयनाइजेशन एनर्जी कहां से हुई? ये जो एनर्जी दिया है ये है हमारा आयनाइजेशन एनर्जी। तो ये एनर्जी कौन सा था? सब्लिमेशन एनर्जी। ये एनर्जी कौन सा है? सब्लिमेशन एनर्जी। तो डिफाइन कैसे करें आयनाइजेशन एनर्जी को? आयनाइजेशन एनर्जी को डिफाइन करेंगे, इट डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एनी एटम्स वैलेंस शेल, एनी एटम्स वैलेंस शेल इन इट्स गैसियस स्टेट, इन इट्स गैसियस स्टेट। समझिए डेफिनेशन। And now amount of energy required to remove the electron from any atom's valence shell in its gaseous state. Koi doubt? In its gaseous state. Kisi bacche ko koi doubt hai? किसी बच्चे को कोई डाउट है तो बताओ। दीक्षा आया, आवाज आ रही है नहीं आ रही है? दीक्षा नो सर, कोई डाउट सर, कोई डाउट नहीं है सर, कोई डाउट नहीं है। ठीक है, तो ये पार्ट खत्म। आयनाइजेशन एनर्जी गैसियस स्टेट से होता है, ना कि सॉलिड से। ये ध्यान रहे, क्वेश्चन बार बार यहां गलती होगा। आयनाइजेशन एनर्जी जो गैसियस स्टेट से इलेक्ट्रॉन निकालने हैं उसकी एनर्जी है, और गैसियस स्टेट में एटम फ्री होता है, एक दूसरे से बॉन्डेड नहीं होता। बट सॉलिड स्टेट में ये इलेक्ट्रॉन सी मॉडल के थ्रू बॉन्डेड है, इलेक्ट्रॉन सी मॉडल के थ्रू बॉन्डेड है। समझ आया? मैं मिटा रहा हूं इसको। ठीक है, अब आयनाइजेशन एनर्जी, ये तो हमने एक इलेक्ट्रॉन निकाला, यदि एक से ज्यादा निकाल लेंगे तो उसे हम बोलेंगे सक्सेसिव आयनाइजेशन। उसे हम बोलेंगे सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी। हम देखते हैं सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी। सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी, समझ आया? सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है? व्हेन इलेक्ट्रॉन रिमूव वन बाय वन, देन एनर्जी रिक्वायर्ड इज नोन एज सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी। व्हेन इलेक्ट्रॉन रिमूव वन बाय वन, देन energy required
is known as successive ionizing agent. Example, magnesium. Magnesium solid है, sorry, gaseous state में. हमने energy दिया IE1, मतलब delta IE1, first ionization energy. इसको हम बोलेंगे first ionization energy. तो इसमें से एक electron निकलेगा, magnesium plus gaseous plus electron. अब फिर हम इस magnesium में से फिर हम हीट करेंगे, एनर्जी देंगे, तो IE2 या डेल्टा IE2, ये है सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी, सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी. ये होगा मैग्नीशियम प्लस टू गैसियस प्लस इलेक्ट्रॉन. एक ही साथ में दोनों इलेक्ट्रॉन नहीं निकलता, एक ही साथ में दोनों इलेक्ट्रॉन नहीं निकलता, एक एक करके निकलता है. एक ही साथ में दोनों नहीं निकलते, एक एक करके निकलेंगे. तो पहले एक निकलेगा, फिर दूसरा निकलेगा. अब देखिए, इसकी वैल्यू है 752 किलो जूल पर मोल, और इसकी वैल्यू है 1420 किलो जूल. इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन के निकलने के बाद पकड़ मजबूत हो जाती है, और इसीलिए दूसरे इलेक्ट्रॉन को निकालने में ज्यादा ताकत लगानी पड़ेगी. एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के बाद जो है पकड़ मजबूत हो जाती है, और इसीलिए दूसरे को निकालने में ज्यादा ताकत लगानी पड़ेगी. सिमिलरली हमने लिया एल्यूमिनियम गैसियस, IE1 माइनस इलेक्ट्रॉन, एल्यूमिनियम प्लस गैसियस, फिर अगेन एनर्जी IE2 माइनस इलेक्ट्रॉन, एल्यूमिनियम प्लस टू गैसियस, अगेन एनर्जी IE3 माइनस इलेक्ट्रॉन, एल्यूमिनियम प्लस थ्री गैसियस. क्या इसके बाद नहीं निकल सकता? हमने इसके बाद छोड़ दिया है. निकल सकता है, लेकिन वो अमाउंट ऑफ एनर्जी जो होगी वो बहुत ज्यादा होगी. स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन हो गया, और स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन के बाद इलेक्ट्रॉन को निकालने में बहुत ज्यादा एनर्जी निकलेगी लगेगी. इसीलिए वो थोड़ा मुश्किल है, इसीलिए वो थोड़ा मुश्किल कंडीशन है, इसीलिए हम उसको कंसीडर नहीं कर रहे. समझ आया? मुश्किल कंडीशन है. इतनी एनर्जी अवेलेबल कराना थोड़ा सा मुश्किल पड़ेगा, इतनी एनर्जी अवेलेबल कराना थोड़ा सा मुश्किल पड़ेगा. जैसे इसकी एल्यूमिनियम की पहली आयनाइजेशन एनर्जी है 577 किलो जूल, दूसरी जो है ये है अराउंड 1100, ये एग्जैक्ट नहीं है, मैं अंदाजा कह रहा हूं. फिर ये अराउंड 1800 किलो जूल, और जब इसके बाद हम IE4 लगाते हैं तो ये अराउंड 7000 किलो जूल के करीब होगी, 7000 से 8000 किलो जूल होगी. इसका मतलब देखिए, इस तीन को निकालने में कम एनर्जी लगा और चौथे को निकालने में बहुत ज्यादा एनर्जी लगा. तो कभी कभी क्वेश्चन ये आता है कि इसमें कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, कभी कभी आता है कि इसमें कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है. देखिए, चौथे को निकालने में बहुत ज्यादा एनर्जी लगी और तीन को निकालने में कम एनर्जी लगी है, तो इसका मतलब ये तीन वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये तीन वैलेंस इलेक्ट्रॉन है और ये इजीली रिमूव हो सकते हैं, उसके बाद नोबल गैस कंफिगरेशन होगा. समझ आया? तीन जो है, yes, इसका आंसर होगा IE4. IE4 वेरी 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 ग्रेटर देन IE3, ग्रेटर देन IE2, ग्रेटर देन IE1.
समझ आया? IE4 is very very greater than IE3, which is greater than IE2, which is greater than IE1. कोई डाउट? कोई डाउट है इसमें? नो सर, नो सर. ट्रेंड्स, हम अब हम ट्रेंड्स देखते हैं. ट्रेंड्स क्या है इसका और कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल है आयनाइजेशन एनर्जी की. देखिए ट्रेंड्स हम देखते हैं. ट्रेंड्स, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझिए. यहां से क्वेश्चन आते ही है. सीजियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम. बीच में डी ब्लॉक के लिए छोड़ देते हैं. बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियम, हीलियम. आगे लिखते हैं एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, सल्फर, सेलेनियम, टेरेलियम, पोलोनियम, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ेनन और रेडन. समझ आया? ये है अब कैसा. ये जो है ये अल्कली मेटल्स है, इसकी आयनाइजेशन एनर्जी सबसे कम है. अल्कली मेटल्स है उसकी आयनाइजेशन एनर्जी सबसे कम है. हाइड्रोजन का 1312 किलो जूल, हाइड्रोजन का 1312 किलो जूल, लिथियम का 520 किलो जूल, सोडियम का 496 किलो जूल, पोटेशियम का 419 किलो जूल, रुबिडियम का 403 किलो जूल और सीजियम का 374 किलो जूल. क्या देखा आपने? ऊपर से नीचे जाने पर, ऊपर से नीचे जाने पर आयनाइजेशन एनर्जी कम हो रही है. क्यों? क्योंकि साइज बढ़ रहा है. ऊपर से नीचे जाने पर आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस, ऊपर से नीचे जाने पर आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस. अब इधर से इधर देखते हैं. लिथियम का ये है, बेरिलियम का, बेरिलियम का है 899, बेरिलियम का है 899 किलो जूल, बोरोन का है 801 किलो जूल, कार्बन का है 1086 किलो जूल, नाइट्रोजन का है 1402 किलो जूल, ऑक्सीजन का है 1314 किलो जूल, फ्लोरीन का है 1681 किलो जूल और नियन का है 2080 किलो जूल और हीलियम का है 2372 किलो जूल, आर्गन का है 1520 किलो जूल, क्रिप्टन का है 1350 किलो जूल, ज़ेनन का है 1170 किलो जूल और रेडॉन का है 1037 किलो जूल. नाइट्रोजन के बाद फास्फोरस का है 1011 किलो जूल, सल्फर का है
999 किलो जूल, आर्सेनिक का है 946 किलो जूल और 941 किलो जूल, सिलिकॉन का है 786 किलो जूल और एल्युमिनियम का है 577 किलो जूल, मैग्नीशियम का है 738 किलो जूल, कैल्शियम का है 590 किलो जूल। इतने ही लेते हैं, इससे अंदाजा हमें हो जाएगा। क्या देखा आपने? दो ग्रुप्स ऐसे हैं, देखिए यहां से यहां हम कहते हैं जनरली बढ़ता है, जनरल ट्रेंड है आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेज, आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेज और नीचे जाने पर आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेज, आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेज और इधर से इधर जाने पर इंक्रीजेज, बट ये ट्रेंड 100% सही नहीं है। देखिए ये 520 था, ये 899, फिर 801, फिर दिस, इसका मतलब है एक्सेप्शन हो गया, बेरिलियम का नहीं होना था, चाहिए था इतना ज्यादा, बोरोन से कम होना चाहिए था लेकिन बेरिलियम का ज्यादा है, नाइट्रोजन का ऑक्सीजन से कम होना चाहिए था लेकिन ऑक्सीजन का ज्यादा, नाइट्रोजन का ज्यादा है। इसका मतलब है ये ग्रुप्स और ये ग्रुप्स, ये तीनों का ज्यादा होता है अपने एडजेसेंट से, ये तीन एक्सेप्शनल ग्रुप है, एक्सेप्शनल है क्योंकि नोबल गैसेस आगे है ही नहीं, तो इसीलिए उसकी बात हम नहीं करेंगे, लेकिन ये मैक्सिमम होता है उसका। क्यों? एग्जैक्टली हाफ फिल्ड, एग्जैक्टली हाफ फिल्ड और फुल्ली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन, फुल्ली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन। बेरिलियम का फुल्ली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है, इसमें से इलेक्ट्रॉन, ये स्टेबल है तो इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ज्यादा ताकत लगानी पड़ेगी। बेरिलियम मैग्नीशियम का ज्यादा है अपने से आगे वाले से, क्यों? ये फुल्ली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है, ये स्टेबल है, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना थोड़ा डिफिकल्ट है एज कंपैरिजन टू इसके अगले वाले से, इसीलिए इसका जो है ज्यादा हो गया है एज कंपैरिजन टू अपने आगे वाले से। गैलियम का 579 लिख देते हैं। ये तीनों का देखिए ये ज्यादा इस ग्रुप का है एज कंपैरिजन। अब देखिए इसमें नाइट्रोजन का ज्यादा है ऑक्सीजन से, फास्फोरस का ज्यादा है सल्फर से, इसे नीचे वाले में नहीं है। ऐसा क्यों है? क्योंकि वो एग्जैक्टली हाफ फिल्ड है, क्योंकि वो एग्जैक्टली हाफ फिल्ड है। अब इसके बाद यहाँ बहुत ज्यादा इंक्रीज है, इसके बाद नोबल गैसेज का बहुत ज्यादा इंक्रीज है। क्यों? क्योंकि वो फुल्ली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है, नोबल गैसेज का बहुत ज्यादा है क्योंकि वो फुल्ली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है। तो एग्जैक्ट सही जो आएगा क्वेश्चन फर्स्ट ग्रुप से ही आएगा, क्वेश्चन जनरली हम देखते हैं फर्स्ट ग्रुप से ही आ रहा है। तो फर्स्ट ग्रुप का ट्रेंड क्या हुआ? सबसे कम लिथियम, फिर उसके बाद हमने लिखा है एक ऑर्डर लिख लेते हैं, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियन। ये सही ट्रेंड होना चाहिए जैसा लिखा है क्या एनर्जी, लेकिन ये गलत हो जाएगा, ये इंटरचेंज हो जाएगा, ये दोनों इंटरचेंज हो जाएंगे और करेक्ट ऑर्डर जो आएगा वो करेक्ट ऑर्डर होगा लिथियम, बोरोन, बेरिलियम, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन और नियन। ये है सही
आंसर। तो यहां से क्वेश्चन जरूर आता है, यहां से क्वेश्चन जरूर आता है, आप इसको समझने की कोशिश करें। क्वेश्चन में क्या आएगा, क्वेश्चन में यही आएगा कि आयनाइजेशन एनर्जी को अरेंज करो, आयनाइजेशन एनर्जी को आपको अरेंज करना है, इसमें कोई डाउट नहीं। एक क्वेश्चन हम देख रहे हैं बार बार आ रहा है, बार बार सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी पूछ रहा है, फर्स्ट नहीं पूछ रहा है, क्योंकि फर्स्ट तो बच्चे रट भी लेते हैं, अब पूछ रहा है सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी अरेंज करो। इसी क्वेश्चन का सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी अरेंज करने के लिए जो हमने लिया है उसी का सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी, समझ आया? सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी देखते हैं क्या है। जो फर्स्ट ग्रुप हमने लिखा है फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ही, उसका फर्स्ट नहीं, अब वो कह रहा है उसका सेकेंड बताओ। तो सेकेंड आयनाइजेशन एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद कैसा हो जाएगा, ये लिथियम प्लस, बेरिलियम प्लस, बोरोन प्लस, कार्बन प्लस, नाइट्रोजन प्लस, ऑक्सीजन प्लस, फ्लोरीन प्लस और डीएन प्लस। एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद कैसा हो जाएगा, आफ्टर रिमूवल ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद ये सारे ऐसे हो जाएंगे। अब इसका करैक्टर किसके जैसा है, लिथियम हीलियम के जैसा हो गया, बेरिलियम लिथियम के जैसा हो गया, बोरोन बेरिलियम के जैसा हो गया, कार्बन बोरोन के जैसा हो गया, नाइट्रोजन कार्बन के जैसा हो गया, ऑक्सीजन नाइट्रोजन के जैसा हो गया, फ्लोरीन ऑक्सीजन के जैसा हो गया और ये फ्लोरीन के जैसा, ऐसा ही हो गया क्योंकि इलेक्ट्रॉन कैसे आ गए अब। ठीक है, सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट किसका होता है, सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी। अब एक और इलेक्ट्रॉन इसमें से निकालने हैं तो सबसे ज्यादा किसका हो जाएगा, इसका मैक्स हो जाएगा, समझ आया क्या हो जाएगा, क्योंकि हीलियम का क्या होता है सबसे ज्यादा होता है, तो इसको हम ऑर्डर में इसको बाद में लिखेंगे। अब इसमें देखते हैं इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए क्या होता है, लिथियम का, फिर बोरोन, फिर बेरिलियम, फिर कार्बन, फिर ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन, फिर फ्लोरीन, ये ऑर्डर है इलेक्ट्रॉन निकालने का हमारा ऑर्डर। तो इसमें क्या हो जाएगा, और ये सबसे ज्यादा हो जाएगा, तो इसका ऑर्डर हो जाएगा सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर हो जाएगा लिथियम, लिथियम कौन सा है, बेरिलियम प्लस, ये बेरिलियम का सबसे ज्यादा प्लस क्या आप सेकेंड कह रहा है, तो बेरिलियम का सबसे ज्यादा प्लस का, फिर उसके बाद कार्बन प्लस का, फिर बोरोन प्लस का, फिर उसके बाद क्योंकि ये आ गया, फिर ये आ गया, अब ये कार्बन, ये नाइट्रोजन प्लस का, नाइट्रोजन प्लस के बाद फ्लोरीन प्लस का, फिर ऑक्सीजन प्लस का और फिर नियन प्लस का और सबसे लास्ट में लिथियम प्लस, ये हो जाएगा ऑर्डर, समझ आया, ये था इसमें ट्विस्ट। यस सर, यही क्वेश्चन अब बार बार पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, यही क्वेश्चन बार बार पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है कि इसका सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी निकालो, सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी निकालो, क्योंकि फर्स्ट और सेकेंड में आप उसी ऑर्डर में कर देंगे क्वेश्चन गलत हो जाएगा, फर्स्ट और सेकेंड का जो ऑर्डर है वो अलग अलग है, फर्स्ट और सेकेंड का जो ऑर्डर है वो अलग अलग है, इसीलिए ये चीज आपको समझना पड़ेगा। कोई डाउट है इस पॉइंट में? नो सर, ये आ गया,
तो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी। अब ये क्वेश्चन कभी कभी आता है, कभी कभी हम देखते हैं क्वेश्चन आ रहा है कि कुछ एनर्जी उसने दिया, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी की कुछ वैल्यू थी, सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी की कुछ वैल्यू थी, लेकिन एग्जैक्ट पूरा अमाउंट नहीं दिया एनर्जी का, तो कितना परसेंट प्लस टू में जाएगा और कितना परसेंट प्लस वन में जाएगा। क्वेश्चन देता हूं मैं, ये क्वेश्चन बार बार आ रहा है पेपर में। मैग्नीशियम के लिए आएगा, फैक्टर्स आएंगे, फिर इसके फैक्टर्स भी आएंगे। अभी फैक्टर्स पहले लिखा देता हूं, फिर क्वेश्चन को करना, नहीं तो अगले दिन कर। देखिए फैक्टर्स विच अफेक्टिंग, फैक्टर्स विच अफेक्टिंग या आयनाइजेशन एनर्जी डिपेंड्स ऑन दिस फैक्टर, लिखते हैं फैक्टर्स ऑन विच आयनाइजेशन एनर्जी डिपेंड्स, फैक्टर्स ऑन विच आयनाइजेशन एनर्जी, आयनाइजेशन एनर्जी डिपेंड्स, किस किस फैक्टर्स पर आयनाइजेशन एनर्जी डिपेंड करता है, किस किस फैक्टर पर आयनाइजेशन एनर्जी डिपेंड करता है, समझ आया? कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिस पे आयनाइजेशन एनर्जी डिपेंड करता है? पहला है साइज ऑफ एटम, पहला है साइज ऑफ एटम्स, आयनाइजेशन एनर्जी डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ एटम। यदि साइज ऑफ एटम बड़ा होगा तो आयनाइजेशन एनर्जी छोटा होगा, यदि साइज ऑफ एटम छोटा होगा तो आयनाइजेशन एनर्जी बड़ा होगा। अगला स्क्रीनिंग इफेक्ट, दूसरा स्क्रीनिंग इफेक्ट, आयनाइजेशन एनर्जी स्क्रीनिंग इफेक्ट ज्यादा होगा। स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या था? शील्डिंग इफेक्ट, स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या था? जितना ज्यादा स्क्रीनिंग उतनी कम आयनाइजेशन एनर्जी, स्क्रीनिंग मतलब छांटना, जितना ज्यादा छांटने का इफेक्ट होगा उतना कम ताकत लगाना पड़ेगा। किसी का झगड़ा हो रहा है तो उसके रिलेशन को तोड़ना बहुत आसान है, थोड़ा सा फर्क आपको अपने आप को, लेकिन किसी का झगड़ा नहीं हो रहा है तो वो जल्दी टूटेगा, टूटेगा थोड़ी, समझ आया? तीसरा है न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियर चार्ज किससे डिपेंड करता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो आयनाइजेशन एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यूक्लियर चार्ज, जितना ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज उतनी ही ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी, जितना ज्यादा प्रोटॉन्स उतनी ही ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी। अगला शेप्स ऑफ ऑर्बिटल्स, अगला शेप्स ऑफ ऑर्बिटल्स, आयनाइजेशन एनर्जी यदि इलेक्ट्रॉन, आयनाइजेशन एनर्जी ऑर्डर यदि इलेक्ट्रॉन एस में है तो सबसे ज्यादा ताकत लगाना पड़ेगा, पी में है तो उससे कम ताकत, डी में है तो उससे कम ताकत, और एफ में है तो और भी कम ताकत। एंड लास्ट वन, पांचवा पॉइंट, एग्जैक्टली हाफ फिल्ड और फुल्ली फिल्ड, एग्जैक्टली हाफ फिल्ड और फुल्ली फिल्ड सबसे, क्या देखा? हाफ फिल्ड और फुल्ली फिल्ड सबसे मोर स्टेबल है, एग्जैक्टली हाफ फिल्ड और फुल्ली फिल्ड सबसेल
मोर स्टेबल हाई आयनाइजेशन एनर्जी. तो एग्जैक्टली हाफ आयनाइजेशन एनर्जी प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी प्रोपोर्शनल टू हाफ फील्ड ऑफ फुली फील्ड. समझ आया? ये फैक्टर्स हैं आयनाइजेशन एनर्जी के, ये फैक्टर्स हैं जिस पे ये डिपेंड करता है कि आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी या ज्यादा होगी. कोई डाउट्स है आपको इसमें? कितना टाइम हुआ है? दिखा रहा है टाइमर, 38 मिनट्स हो चुके हैं. तो एक सर मेरे में नहीं दिखा सर, होंगे. आप पूछिए इसमें से और कोई डाउट्स हैं आपको जो आपको पूछना है. हमने ये पॉइंट्स खत्म कर दिए हैं. नो सर. अब आपको इसमें वही देखना है, क्वेश्चंस बनाइए और क्वेश्चंस में देखिए, समझिए इसको. जो जो पॉइंट्स हमने बताए हैं उन पॉइंट्स को लगाएंगे, एक एक क्वेश्चन बन जाएगा. समझ आया? एक एक क्वेश्चन. अरे बुक भी चाहिए आपको? बुक का क्या हुआ? वो ले लेंगे क्या वो? क्योंकि आप लोगों को बुक चाहिए. कब बनाएंगे? टाइम खत्म होता जा रहा है. कौन सा बुक सर? कौन सा बुक? जो हमारी कोचिंग वाली, जैसे सर वो मेरे मामा जी सर. हाँ सर, वो मेरे मामा जी जाने वाले हैं, आपके पास आने वाले हैं, मतलब दरभंगा. तो फिर वो मतलब आ जाएंगे लेके. हाँ वही ना, क्योंकि जल्दी पहुंचाए ना, टाइम जितना खत्म हो रहा है. अब जैसे ये चैप्टर मैंने खत्म कर दिया तो इसके सारे प्रैक्टिस कर लेने हैं. चलो आपके पास अभी जितना है उतना कर लीजिए, फिर बाद में उससे कर लीजिएगा. जितना आपके पास है उतना कर लीजिए, फिर बाद में कर लीजिए उससे. उसके लिए वेट नहीं करेंगे ना, लेकिन जल्दी जल्दी होता जाए. केमिस्ट्री का आपको, मेडिकल का भी और जेई का भी, दोनों ही लगाना है. मेडिकल भी और जेई के. जो एडवांस वाले क्वेश्चन है वो नहीं लगाने हैं, लेकिन जो मेन के क्वेश्चन है वो सारे लगाने हैं. क्योंकि मेन का क्वेश्चन सेम रिपीट होता है नीट में. मेन का क्वेश्चन सेम रिपीट होता है नीट में. एडवांस के क्वेश्चंस छोड़ देंगे. तो इसीलिए आपको मेडिकल वाला भी पैकेज कर लेने हैं क्वेश्चंस, और एडवांस वो आईआईटी वाला जो होगा उसको भी कर लेने. थ्योरी के लिए जो आपको पढ़ने हैं वो सिर्फ आईआईटी वाला पैकेज पढ़ना है, नीट वाला पैकेज थ्योरी के लिए नहीं पढ़ना है, क्योंकि उसमें बहुत कम दिया हुआ होता है. समझ आया? उससे सारे क्वेश्चन बनते नहीं है. अब जैसे मैं आपको क्लास बताऊं तो ये क्लासेज से एक भी सवाल नहीं छूटेगा, क्योंकि ये हम आईआईटी जेई वाला जो सिलेबस है वो पढ़ा रहे हैं आपको. तो इससे आपको जो डाउट्स है वो वाला पोर्शन खत्म हो जाएगा. यदि सिर्फ नीट लेवल का करें ना तो उसका लेवल बहुत लो होता है, तो उससे डाउट्स रहेगा ही हमेशा. और कुछ है? ये चैप्टर हमारा खत्म होने वाला है, तो कितने चैप्टर हमारे सर? दो. दो चैप्टर हो जाएंगे. आप वो फटाफट फटाफट कर लेने हैं, क्योंकि स्पीड थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा. इतने सारे हाँ, आप फटाफट करते जाएंगे, आप वेट करेंगे. और जो एलएम का